मथुरा के रहने वाले एक व्यक्ति ने कुछ दबंगों पर आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने बंद फैक्ट्री में ले जाकर उसके साथ मारपीट की है और 2 लाख रुपए की भी चौथ मांगी है। मामले में पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है। थाना गोविंद नगर क्षेत्र के पास ओम नगर चामुंडा कॉलोनी में काफी समय से मयंक अपने बच्चों के साथ रह रहा था, लेकिन 21 दिसंबर को कुछ दबंग लोग मयंक के घर में घुस गए और चौथ वसूली के 2 लाख रुपए मांगने लगे। मयंक ने उन दबंग लोगों को पैसे नहीं दिए तो उसे गाड़ी में डालकर ले गए और उसकी पत्नी सोनम से मारपीट कर दी। मयंक को एक बंद फैक्ट्री में ले जाकर बंद कर दिया गया। पत्नी सोनम ने नजदीकी चौकी में जाकर बताया और पुलिस कर्मियों के साथ जाकर वह अपने पति को वापस लेकर आई। सुबह होते ही वह नजदीकी थाने में पहुंचे, दबंग लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पीड़ितों का आरोप है कि नजदीकी थाने वालों ने दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। 3-4 दिन से लोग मुझे परेशान कर रहे थे, फोन पे मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। कौन लोग थे? मुझे नहीं मालूम, मेरे बगल में कॉलोनी है, वहीं पे वो लोग रहते हैं। क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे? किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहे थे? पैसे मांग रहे थे, कह रहे थे कि सब लोग पैसे देते हैं, तुम भी पैसे दो। किस बात के पैसे मांग रहे हैं? वो चौथ वसूली के लिए मांग रहे हैं और क्या, मुझे तो पता नहीं क्या चीज है, पर यही कह रहे हैं कि मुझे 2 लाख रुपए। कब से मांग रहे हैं वो पैसे आपसे? हो गए काफी टाइम। आपने इस चीज के बारे में नजदीकी थाने या चौकी वगैरह में कंप्लेंट की? चौकी पे कंप्लेंट भी की थी। क्या कार्रवाई की उन लोगों ने? कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। उन्होंने ये कहा था कि हम दूसरी पार्टी को बुलाते और जांच करवाएंगे और बातचीत से मामला सुलझ जाता है। पुलिस वाले यहाँ कह रहे हैं तुम समझौता कर लो, हम ऊंची तक बहुत ऊंची तक पहुँचे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। ये किसने बोला? ये पुलिस वालों ने बोला। कौन सा थाना? ये थाना गोविंद। आप क्या चाहते हो? हम उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि मुझे सुरक्षा मिले। मेरे बीवी बच्चे घर पे अकेले रहते हैं, मेरे पिताजी का फाइल है। ये लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं कि मुझे घर से उठाकर ले गए, मारपीट कर रहे हैं। कब मारपीट की? मारपीट कब की आपसे? 21 तारीख शाम 8:30 बजे 4 लोग आए थे गाड़ी में, मुझे मेरे साथ मारपीट की है, मेरी पत्नी के साथ मारपीट की है और मुझे गाड़ी में डालकर ले गए जयपुर देव के सामने कोई फैक्ट्री है, वहाँ फैक्ट्री में जाकर फिर मारपीट की है मेरे साथ, मेरे कपड़े उतारे। एसएसपी ऑफिस कितने दफा आ चुके हैं वहाँ पे आप? एसएसपी ऑफिस पे आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? मैं सर 3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ एसएसपी ऑफिस। क्या कार्रवाई हुई उन लोगों पे? कप्तान साहब ने उनसे बोला था कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोल देते हैं कि पुलिस वाले आएंगे, जांच करेंगे और अभी तक कुछ नहीं हुआ।